नमस्कार दोस्तों आइए देखते हैं केमिस्ट्री क्लास एलेवन से गवर्नमेंट ने इस साल क्या हटाया है कोरोना की वजह से सो पार्ट वन केमिस्ट्री का है उसके चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से उन्होंने हटाया है फर्स्ट नेचर ऑफ मैटर सेकेंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थर्ड डेल्टन अटोमिक थ्योरी कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सेम पार्ट वन से ही उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें से उन्होंने हटाया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन सेकेंड चैप्टर है एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स थर्ड टॉपिक थॉम्सन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस फोर्थ रदाफोर्ज मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इसमें से उन्होंने हटाया है फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन सेकेंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियॉडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर में से गवर्नमेंट ने कुछ भी पोशन नहीं हटाया है नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर गैसेज एंड लिक्विड इसका फर्स्ट पॉइंट जो हटाया है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज सेकेंड क्रिटिकल टेम्परेचर थर्ड काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिकुलर स्पीड्स एलिमेंट्री आइडिया बेसिकली फोर्थ लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर विस्कॉसिटी एंड सर्फिस टेंशन इसका क्वालिटेटिव आइडिया ही आया है नो मैथमेटिकल डेरिवेशंस नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स इसमें से जो हटाया है वो है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रम इसमें से उन्होंने हटाया है हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट एलिमेंट्री आइडिया एंड हैंडरसन इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस इसमें से उन्होंने जो हटाया है वो है एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन हटाया है फर्स्ट प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेपरेशन रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड यूज नेक्स्ट पार्ट टू केमिस्ट्री का है उसका चैप्टर है जिसमें से पोर्शन रिड्यूस हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें से उन्होंने रिड्यूस किया है फर्स्ट प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेकेंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड द इंडस्ट्रियल यूजेज नेक्स्ट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नेक्स्ट चैप्टर पार्ट टू का है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें से जो टॉपिक्स हटे हैं वो हैं फर्स्ट सम इम्पॉर्टेंट सच सचैस बोरेक्स बोरिक एसिड बोरोन हाइड्राइट्स सेकेंड एल्यूमिनियम उसमें रिएक्शंस विद एसिड्स एंड एल्किलाइज एंड यूजेस थर्ड कार्बन यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कम्पाउंडस ऑक्साइड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट कम्पाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड अ फ्यू यूजेस इसमें आता है सिलिकॉन टैट्राक्लोराइड सिलिकॉन्स सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स द यूजेस नेक्स्ट पार्ट टू का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इसमें से जो इन्होंने पोषण रिड्यूस किया है वो है फर्स्ट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन सेकेंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स उसमें से उन्होंने रिड्यूस किया है फर्स्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन सेकेंड कम्बाशन एंड पैरोलिस नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें से पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ही हटा दिया गया है नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल्स सो प्रैक्टिकल्स में फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच इनमें से फॉलोइंग पोर्शन इज डिलीटेड एक्चुअली तो इसमें ए है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स सो कोई भी एक इसमें से आप हटवा सकते हैं फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सम सॉल्यूशंस ऑबटेन्ड फ्रॉम फ्रूट जूसेज सोल्यूशन ऑफ़ नॉन एंड वेरिड कंसनट्रेशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट यूजिंग पी पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर Second, comparing the pH of solutions of strong and weak acids of same concentration. Next, study the pH changes in the titration of a strong base using universal indicator. Second point, which is experiments based on pH. That is, study the pH change by common ion in case of weak acids and weak bases next one of the following experiments has been deleted so first is a study the shift in equilibrium between ferric ions and thiocyanate ions by increasing or decreasing the concentration of either of the ions next study the shift in equilibrium between 20 6 2 plus ion and chloride ions by changing the concentration of either of the ions आशा करती हूँ कि कोरोना वायरस में आप सभी अपने घर पर सुरक्षित हैं महफूज हैं और ख़ुद को अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने घर वालों का भी प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपको साइंस और मैथ्स से रिलेटेड के ट्वेल्व की वीडियोज़ मिलेंगी थैंक यू सो मच स्टे सेफ़ स्टे हेल्दी